बैटरी बॉक्स कवर को निकालें। मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज चेकिंग मोड पर रखें। मल्टीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल में लगाएं तथा मल्टीमीटर नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी नेगेटिव टर्मिनल पर लगाएं। बैटरी वोल्टेज 12.3 वोल्ट या इससे ज्यादा होना चाहिए। यदि कम है तो बैटरी को रिचार्ज करें। टैकोमीटर को एचटी लीड से 21:42 मोड पर जोड़ें। इंजन को स्टार्ट करें तथा डिमर स्विच को हाई पॉजिटिव पर ले जाएं तथा 5000 आरपीएम पर वोल्टेज रीडिंग की जांच करें। वोल्टेज रीडिंग 13.5 से 15.3 वोल्ट्स के बीच होना चाहिए। यदि वोल्टेज रीडिंग 13.5 से 15.3 वोल्ट्स के बीच नहीं है तो स्टार्टर कॉइल या रेगुलेटर यूनिट की जांच सर्विस मैनुअल के अनुसार करें।